नमस्कार, मैं मानसी भनोट आपका स्वागत करती हूँ एपिसोड नंबर 633 करंट अफेयर्स के। तारीख है आज की 21 अप्रैल 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल एंड फ्रंटियर आईएएस, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं हमारे हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट्स जो हैं वो भी आप विजिट कर सकते हैं, www.ssccglpinnacle.com या फिर www.baljeetdhaka.com। चलिए आज सबसे पहले देख लेते हैं हमारे प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहले जो दो क्वेश्चंस प्रीवियस क्विज में आपसे पूछे गए थे वो थे, COVID-19 पर गठित किए गए कांग्रेस के सलाहकार समूह का अध्यक्ष कौन होगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसका सही आंसर है मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था, होम डिलीवरी सेवा के लिए किस राज्य सरकार ने सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज की ओर। प्रश्न नंबर एक, पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किस देश ने COVID-19 महामारी के दौरान मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा प्रोजेक्ट करके भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। इटली, मोनाको, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस। तो देखिए, इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने स्विस एल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत को रोशनी की मदद से तिरंगे से कवर किया गया। पर्वत को तिरंगे के रंग से रोशन कर स्विट्जरलैंड ने कोरोना महामारी से जीतने की उम्मीद और जज्बे का संदेश दिया है। कोरोना वायरस महामारी संकट के समय भारत ने कई देशों की मदद की है। इस वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों और किए जा रहे प्रयासों के लिए WHO सहित कई देशों ने भारत की तारीफ की है। स्विट्जरलैंड के लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉपस्टेटर ने 14,690 फुट ऊंचे पर्वत को तिरंगे के रंग से रोशन करने का काम किया है। तो ये 14,690 फुट की ऊंचाई पर है। इटली स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर मौजूद इस पर्वत के जरिए गैरी पहले ही स्टे होम का संदेश दे चुके हैं। अब एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 7 महाद्वीपों के उच्चतम ज्वालामुखियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, वो हैं सत्यरूप सिद्धांत। मैं नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, सत्यरूप सिद्धांत जो है इनका नाम है। तो ये पहले वो व्यक्ति बने हैं जो कि 7 महाद्वीपों के उच्चतम ज्वालामुखी पर चढ़ने में सफलता जिन्होंने हासिल की, और ये भारतीय मूल के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से गैरी द्वारा प्रकाश जो है लाइट्स दी गई एल्प्स के इस माउंटेन के ऊपर। स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ जानकारी ग्रहित कर लेते हैं, कैपिटल है इसकी बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। तो ये आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। स्विट्जरलैंड की लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में, यूरोप में, साथ में आप देख सकते हैं एल्प्स माउंटेन जो है यहाँ से किस तरह से कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र चीन भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये किस तारीख को मनाया जाता है, 20 अप्रैल को ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग ने बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के लिए 2010 में से इस दिन की स्थापना की थी, और साथ ही संगठन ने अपना सभी 6 आधिकारिक कामकाजी भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र भाषा के दिनों की पहल के तहत यूएन 6 अलग अलग दिन मनाता है। तो जिस तरह की अरबी भाषा है, अरबी भाषा के लिए 18 दिसंबर की डेट रखी गई है, अंग्रेजी भाषा के लिए 23 अप्रैल की डेट जो है रखी गई है, फ्रेंच भाषा की अगर बात की जाए तो 20 मार्च की डेट रखी गई है, और रूसी भाषा की अगर बात की जाए तो 6 जून की डेट रखी गई है, और स्पेनिश भाषा के लिए 23 अप्रैल की डेट तय कर रखी है। तो अब आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, विश्व
लीवर दिवस जो है, विश्व लीवर दिवस जो है, वो हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व लीवर दिवस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा चाइनीज लैंग्वेज डे जो है वो मनाया जाता है, और ये जो है इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। COVID-19 के लिए वैक्सीन और ड्रग परीक्षण के लिए गठित किए गए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? बलराम भार्गव, विनोद पाल, के विजय राघवन। तो इसका सही आंसर है दोनों बी एंड सी, यानी कि विनोद पॉल एंड के विजय राघवन। तो ये दोनों इसके सही आंसर हैं। केंद्र सरकार ने COVID-19 की वैक्सीन और दवा परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस कार्य बल का उद्देश्य COVID-19 के उपचार के लिए वैक्सीन विकास की दिशा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को गति देना है। टास्क फोर्स की अध्यक्षता विनोद पॉल और प्रोफेसर के विजय राघवन करेंगे। के विजय राघवन सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इस कार्यबल में आयुष मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि ICMR है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग को केंद्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब तक भारत में 755 समर्पित COVID-19 अस्पताल और 1389 समर्पित स्वास्थ्य देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य अपने सभी सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला पहला राज्य बना? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 75 जिले यानी 75 जिलों में अपने 7,368 जो सामुदायिक रसोइयां और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला देश बन गया है, जो कि एक दिन में 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करता है। राज्य सरकार ने लाभार्थियों की आसानी के लिए गूगल मैप्स की सहायता भी ली है। तो गूगल मैप्स पे जियो मैप के साथ जोड़ा गया है। गूगल मैप्स पर कोविड और कीवर्ड के साथ खोज करने पर कोई भी व्यक्ति उन तक पहुंच सकता है। अब तक अलीगढ़ में और उनके आसपास के सभी आश्रय घरों और सामुदायिक रसोई का स्थान गूगल मानचित्रों के साथ एकत्रित किया गया है, और अन्य जिलों में ऐसी सभी सुविधाओं के लिए डेटा जल्दी ही गूगल मानचित्र पर लाइव हो जाएगा। अब COVID-19 का पुल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बताइए कौन सा है? तो वो भी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, तो COVID-19 का पुल परीक्षण शुरू करने वाला, पुल परीक्षण यानी जो सामूहिक परीक्षण है उसको शुरू करने वाला पहला राज्य यूपी ही है। यूपी के बारे में कुछ और अन्य जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात यूपी के बारे में, आप इसकी यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के साथ ये लगा हुआ है, और साथ ही साथ नेपाल जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर भी इसका जो है शेयरिंग करता है अपने बॉर्डर की। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर ताजमहल मौजूद है जो कि आगरा में स्थित है। फेमस डैम की बात की जाए तो रिहंद डैम है जो कि रिहंद नदी के ऊपर स्थित है। नेशनल पार्क्स की बात की जाए, दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व्स में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, सीएम है योगी आदित्यनाथ, लोकसभा में कुल 80 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस खेल संघ ने हाल ही में आजीवन मानद पद को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, AITA, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने खेल मंत्रालय के निर्देश पर आजीवन अध्यक्ष
आजीवन उपाध्यक्ष और आजीवन सलाहकार जैसे मानद पदों को खत्म करने का सहमति दे दी है। खेल मंत्रालय ने इन पदों को राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन करार दिया था। यही कारण है कि इन मानद पदों को खत्म किया जा रहा है, जिससे कई दिग्गजों लोगों को नुकसान होगा। वरिष्ठ खेल प्रशासक अनिल खन्ना के अलावा एसएम कृष्णा और यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अब भारतीय टेनिस महासंघ के साथ आजीवन जुड़े नहीं रह सकेंगे। इस सूची में घनश्याम पटेल, नरेंद्र कुमार, नटवर सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ हामिद का नाम भी शामिल है। कोरोना वायरस की वजह से AITA ने जून तक के सभी घरेलू टूर्नामेंट्स रद्द कर दिए हैं। अब एक चीज आपको जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, वर्ष 2020 के लिए खेलों में 10 सबसे पहले प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारतीय किस महिला का नाम शामिल है, तो वो नाम है नीता अंबानी। तो नीता अंबानी का नाम जो है उन 10 प्रभावशाली महिलाओं के नाम में शामिल है जो कि खेलों में सबसे ज्यादा जो है प्रभावशाली महिला बनी 2020 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। हाल ही में जारी की गई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में कितने आइटम सूचीबद्ध किए गए हैं? अमूर्त सांस्कृतिक यानी इनटैंजिबल आइटम्स, तो वो आपको बतानी है इनटैंजिबल आइटम्स कितनी जो हैं सूचीबद्ध की गई हैं, तो वो कुल 106 ऐसी सूचीबद्ध की गई हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात की जाए, वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 18 अप्रैल को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। यह पहल संस्कृति मंत्रालय ने विजन 2024 के लिए इसको जो है एक भाग बनाया है, विजन 2024 का भी एक भाग इसको बनाया गया है। इस सूची का लक्ष्य भारत के विभिन्न राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस सूची में 106 परंपराओं को शामिल किया जा चुका है, जिनमें से 13 को यूनेस्को द्वारा मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। तो 13 यूनेस्को में भी इसका नाम जो है शामिल किया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो पूरे भारत के राज्यों की सूची में मणिपुर के चावल की बियर बनाने की परंपरा, राजस्थान में पगड़ी बांधने की प्रथा, कवाली और कुंभ मेले की परंपराएं और देश में रामलीला के विभिन्न प्रकार और अमीर खुसरो की रचनाएं आदि भारतीय प्रतिद्वंदी शामिल है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस संगठन ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए एक व्यक्तिगत सुरक्षा कवर सूट विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है CSIR के द्वारा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की घटक बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला ने MAF क्लोदिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर व्यक्तिगत सुरक्षा कवर सूट बनाया है। पॉलीप्रोपलीन लेयरों वाला बिना बुना हुआ कपड़े का सूट COVID-19 शमन के लिए 2400 घंटे काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, अर्धचिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन लगभग 30,000 करने की योजना जो है बनाई जा रही है। इन सूटों का मुख्य लाभ यह है कि यह अन्य निर्माताओं द्वारा बनाए गए सूटों की तुलना में कीमत के हिसाब से काफ़ी प्रतिस्पर्धी हैं और इनमें किसी प्रकार की आयातित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ, हाल ही में चीन ने 1,70,000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE फिट किट भेजे हैं। इनमें से लगभग 50,000 DRDO द्वारा
किए गए सुरक्षा परीक्षणों को पारित करने में विफल रहे। इन स्थितियों से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित पीपीई को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इस तरह के सूट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, COVID-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो सही उत्तर है इसका राजस्थान। राजस्थान COVID-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जयपुर में राज्य के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाजू डिस्पेंसरी ने रैपिड परीक्षण शुरू किए हैं। तो ये जाजू डिस्पेंसरी आपको ध्यान में रखनी है। हॉटस्पॉट या रेड जोन में COVID-19 की व्यापकता का आकलन करने के लिए यह परीक्षण बड़े पैमाने पर किया जाएगा। यह तुरंत परिणाम देता है। हालांकि यह एक पुष्टिकरण परीक्षण नहीं है, लेकिन फैलने से रोकने के लिए COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति के त्वरित अलगाव में मदद करता है। इसके अलावा पूरे राजस्थान में PCR परीक्षण या प्रयोगशाला परीक्षण भी किए जाते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान में एक और नई चीज की, तो वो है सुपोषित माँ अभियान। तो देखिए, ये सुपोषित माँ अभियान जो है ये हाल ही में राजस्थान में जो है शुरू किया गया है, सुपोषित माँ अभियान। तो इसको भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार राजस्थान के बारे में देख लीजिए, राजस्थान की लोकेशन देख लीजिए। एक तरफ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में पाकिस्तान यहाँ पर लगता है, दूसरी तरफ इंडियन स्टेट्स जो टच करती हैं वो है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्यों से ये घिरा हुआ है। डैम्स की बात करें तो ज्वाहर सागर चंबल रिवर के ऊपर, जसवंत सागर लूनी रिवर के ऊपर, राणा प्रताप सागर चंबल के ऊपर जो है यहाँ पर स्थित है। नेशनल पार्क्स में सबसे मशहूर यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, गवर्नर है यहाँ कलराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यहाँ पर जयपुर, जो कि पिंक सिटी है, साथ में जंतर मंतर। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 9, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की नवीनीकरण सब्सिडी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो टोटल इसमें 35% की गिरावट जो आई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट IISD एंड काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, फिर से सुन लीजिए, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत ने नवीनीकरण सब्सिडी वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 19 तक लगभग 35% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडी 2020 नामक एक नए अध्ययन के अनुसार इसकी तेल और गैस सब्सिडी में 65% की बढ़त पाई गई है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए सब्सिडी 2014 के बाद 3.5 गुना बढ़ गई है। 2017 से इलेक्ट्रिक कारों की सब्सिडी 11 गुना बढ़ा दी गई है। प्रश्न नंबर 10, समीर गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वो खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। प्रसिद्ध खेल पत्रकार समीर गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वे 65 ईयर्स के थे। गोस्वामी उन कुछ पत्रकारों में से एक थे जिन्होंने पहले डिवीजन क्रिकेट लीग गेम्स को पूरी तरह से कवर किया और साथ ही हॉकी लीग मैचों के स्कोर को भी अपडेट किया। उन्होंने 2 दशक से अधिक समय तक लोकप्रिय बंगाली अखबार बैटमैन में काम किया। तो बैटमैन इसका सही वर्ड है, बैट
मैन में इन्होंने काम किया। तो यहाँ पे आप इनकी एक तस्वीर देख सकते हैं। अब समरी कर लेते हैं कीवर्ड्स की आज के। इंडियाज फ्लैग जो कि मैटरहॉर्न माउंटेन पर फहराया गया एल्प्स माउंटेन में, तो वो कहाँ पर है? वो स्विट्जरलैंड ने इंडिया के योगदान को, वर्ल्ड के योगदान में COVID-19 के अगेंस्ट जो है उसके अगेंस्ट जो है इसको फहराया गया। गैरी द्वारा जो है ये लाइटिंग जो है की गई। UN चाइनीज लैंग्वेज डे जो है अप्रैल 20 को मनाया जाता है, और UN में जो 6 भाषाएं हैं, इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, उन सभी को जो है इक्वल तवज्जो जो है दिया जाता है। हेड हाई लेवल टास्क फोर्स जो वैक्सीन के लिए बनाई गई है COVID-19 के लिए, उसमें दो प्रमुख नाम जो आपको ध्यान में रखने हैं, विनोद पॉल एंड के विजय राघवन है। फर्स्ट स्टेट जिसमें जियो टैगिंग की गई है, किचन्स और शेल्टर बनाए गए हैं, वो है उत्तर प्रदेश। अबॉलिश्ड जहाँ पे ऑनरी लाइफ टाइम पोस्ट को अबॉलिश किया गया है, ये किसमें किया गया है? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में इसको जो है अबॉलिश किया गया है लाइफ टाइम टाइटल्स को, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी शामिल है। नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 106 आइटम्स जो हैं शामिल किए गए हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर जो है, ये सूट जो बनाया गया है जिससे COVID-19 को दूर रखा जाए, इस सूट का जो शुरुआत है CSIR में इसकी शुरुआत जो है की गई है। इससे पहले चाइना से भी जो है बहुत सारी तरह के सूट्स जो हैं इंपोर्ट किए गए थे, जो कि DRDO के तहत जो है माना गया कि वो इतने सफल नहीं रहे, विफल रहे। फर्स्ट स्टेट रैपिड टेस्टिंग जो है COVID-19 के लिए, वो कहाँ पर शुरू की गई? वो है राजस्थान में। इंडियाज रिन्यूएबल सब्सिडीज जो हैं 2019 में 35% से गिरावट इसमें दर्ज की गई। समीर गोस्वामी पास्ड अवे, तो ये आपको बताना है ये किस से जो है संबंधित रखते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में लगभग 20 साल से भी अधिक समय तक इन्होंने जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के क्विज फॉर द डे पर। क्विज के पहला प्रश्न है, किस देश ने COVID-19 महामारी के दौरान मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा प्रोजेक्ट करके भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की? विच कंट्री हैज एक्सप्रेस सॉलिडिटी विद इंडिया बाय प्रोजेक्टिंग द ट्राई कलर ऑन द मैटरहॉर्न माउंटेन ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक? प्रश्न नंबर दो, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? When is the UN Chinese Language Day observed? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।